साथियों, लोकसभा चुनाव के दौरान हमने आपसे वादा किया था कि सरकार बनते ही पीएम किसान सम्मान निधि का दायरा हर किसान परिवार तक पहुंचाया जाए। आज महाराष्ट्र के हर किसान परिवार के बैंक खाते में सीधी मदद पहुंचाई जा रही है। इसमें भी महाराष्ट्र प्रशंसनीय कार्य कर रहा है। देवेंद्र जी, आपको बधाई, आपकी टीम को भी बधाई। यहां के 7 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में लगभग 2000 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। इसमें कोई बिचौलिया नहीं, कोई कट कल्चर नहीं। जिन किसान परिवारों को आधार से लिंक करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, बैंक में नाम का स्पेलिंग एक है, आधार में स्पेलिंग अलग है, उनके लिए भी छूट देने का फैसला सरकार कर चुकी है। आने वाले कुछ दिनों में ऐसे साथियों के बैंक खाते में भी सीधे सीधी मदद पहुंचाई जाएगी और 4 महीने के भीतर भीतर फिर से ये जो छोटी मोटी टेक्निकल कमियां हैं उसको दूर करके 4 महीने के भीतर भीतर आधार से जोड़ने का काम भी कर लिया जाएगा और दरमियान पैसे भी पहुंचाएंगे। भाई और बहनों, भाजपा के तमाम साथियों ने महाराष्ट्र सहित पूरे देश के छोटे किसानों को पेंशन की सुविधा से जोड़ने का भी संकल्प लिया। सरकार बनते ही हमने निर्णय लिया कि छोटे किसान परिवारों और छोटे कारोबारियों, दुकानदारों को 60 वर्ष के बाद 3000 रुपये की नियमित पेंशन की सुविधा दी जाए। आज पीएम किसान मानधन योजना और पीएम व्यापारी पेंशन योजना से लाखों किसान और दुकानदार साथी जुड़ रहे हैं। अभी तक देश भर में करीब 18 लाख किसान पेंशन योजना का हिस्सा बन चुके, जिसमें से 70,000 से अधिक यही ये मेरे महाराष्ट्र के हैं।